hello students aap absabi i hope you all are good so today we are going to read the chapter name is the end of the rope so let's read about the lesson first nicholas was a mountaineering guide he was a young man who loved a beautiful maid named maria he felt insulted when gonthier ridiculed him before his beloved maria he decided to teach gonthier a lesson he had been hired by gonthier to help him climb the mountain. nicholas bought gonthier on a narrow ledge and 30 feet above the ledge. he broke the rope which connected him to gonthier. gonthier, being frightened, offered nicholas 5,000 francs to save him. after some time he helped gonthier without charging any money. जो निकोलस से रिलेट करती हुई है तो निकोलस कौन थे एक माउंटेनरिंग गाइड okay, और वो क्या है यंग मैन जो किसको प्यार करते हैं ब्यूटीफुल मेड जिसका नाम है मारिया उनको क्या होता है एक टाइम इंसल्ट फील होती है वेन गोंथियर कब जब गर ने उसकी जो बी लव मारिया है उसके आगे उनकी इंसल्ट की ही डिसाइडेड टू टीच अ गर असन तो उसने क्या सोचा कि मैं इसको सबक जरूर सिखाऊंगा और एक बार गोंथियर को गोंथियर के लिए ही निकोलस को चुना गया एज अ क्लाइंब द माउंटेन कि वो उसकी हेल्प करेगा है ना क्योंकि माउंटेनिंग था तो निकोलस क्या लेके आया गोंथियर ऑन अ नैरो लेज पर लेके आया जो थर्टी फीट अबाउ थी लेज से और उसने क्या किया जो रॉप थी जो उससे कनेक्ट की हुई थी गांधियर ने निकोलस से उसको डिसकनेक्ट कर दिया और उसके बाद वो क्या हो गया गर डर गया और उसने उसको ऑफर किया फाइव थाउजेंड फेंसेज ताकि उसको सेव कर पाए और उसको बचा सके लेकिन कुछ टाइम के बाद गोंथियर जो था वो क्या उसने बोला कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा मुझे सेव करो लेकिन निकोलस ने क्या किया ही वेन्स आर रिस्पेक्ट बाई बी काइंड एंड जेनरस इवन टू हिज एनिमी सो लेट्स रीड द लेसन द मैन लिंग बाय अस्ट्रग रॉप क्लाइंट द शीर फ्लैंक ऑफ द जाइंट क्लिफ 800 फीट ऑफ स्पेस तो इसका मतलब क्या है, है क्लाइम करता है कहां पर शीर फ्लैंक के ऊपर और एक जॉइंट क्लिफ क्लिफ क्या होती है जिस तरह से पहाड़ी आपने सुना होगा तो वैसी ठीक है तो क्लिफ किसको बोलते हैं क्लिफ यहाँ पर वर्ड भी दिया है बच्चे रॉक को एग्जैक्ट वर्ड क्या है रॉक एट फीट स्पेस गैप्ड है कहां पर बिनी डैम एंड कोल्ड माउंटेन एयर वहां पर स्ट्रीम हो रही है मतलब ठंडी हवा बह रही है वहां पे यहां पे प्रेस्पेरिंग जो प्रेस्परिंग बर्ड है आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं प्रेस्परिंग मीन्स क्या होता है स्वेटिंग ओके सो निकोलस द गाइड फ्रॉम द होटल वॉज इन द लीड ही वॉज अ यंग मैन नॉट वेरी टॉल बट हिज थिकस मस्कुलर बॉडी वॉज एडमायरली एडेप्टेड टू हिज ग्रेट he progressed with unhurried calm and rhythmical gestures having himself higher and higher जो निकोलस है वो क्या है एक माउंटेनिंग तो है लेकिन वो क्या करता है एक होटल के अंदर ठीक है होटल से ही लोगों को गाइड करता है ताकि उनको ऊपर लेके जाए जा सके जहाँ पर रोक होती हैं चट्टाने होती हैं उनको हेल्प करता है माउंटेनिंग करने में लेकिन उसकी जो बॉडी जेस्चर्स है वो कैसा है वो यंग मैन है लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं है लंबा मीन्स नॉट वेरी टॉल बट हिज थिकेस्ट मस्कुलर बॉडी है जो एडमाइर करती है एडेप्टेड टू हिज ट्रेड के लिए और उसको इसी काम के लिए आगे भी चुना जाता है लेकिन उसका ने, नेचर जो है वो कैसा है ये प्रोग्रेस विद अनहरिड काम एंड रिदमेटिकल जेस्चर है जो हैविंग हिमसेल्फ हायर एंड हायर उसको हेल्प करता है ताकि वो आगे बढ़ने में वेन दे हॉल्टेड अ ब्रेथ द रेस्ट हिज शोल्डर रेस्टेड लाइटली अगेंस्ट द क्लिप्स एंड हिज लाइट ब्लू आई स्वेप डाउन इन टू द अबायस विदाउट ड्रीड सिकिंग द डोर्स ऑफ वेरी विलेजेस इन दवोयाड वैली द जलाइंट ऑफ ब्लू एंड देट वॉज अ लेक यहाँ पर बात हो रही है कि किस तरह से वैन दे हॉल्टेड द ब्रेथ एंड रेस्ट उसके जो शोल्डर हैं रेस्टेड करते हैं लाइटली अगेंस्ट द क्लिफ ताकि वो क्योंकि वो जहाँ पर हम फैमिलियर हो जाते हैं हम उन चीज़ों को बच्चे जानने लग जाते हैं ना क्योंकि वो माउंटेनिंग था तो माउंटेन के बारे में क्लिफ्स के बारे में रॉक के बारे में वो एवरी ही नोस तो वहां पर वो सब चीज़ों को जानता था तो वो कैसा रहता था जो उसकी ब्लू आई स्वेप डाउन इन टू द अबाइस विदाउट रीड डोर्स दे वर विजेस वहां पर विलेज का जो नाम है वो कौन सा है विजेस इन दैली के अंदर एक विलेज है वहां पर वो रहता था और वहां पर एक लेक भी है ब्लाइंड ऑफ ब्लू दैट वॉज द लेक आर वी गेटिंग देयर द मैन बिलो कॉल्ड आउट तो यहां पर बात हो रही है आर वी गेटिंग देयर

यहाँ पर जिन चीजों की बात हो रही है बच्चे वो ये बता रहे हैं कि वॉज अ समवट ऑर्डर और कौन टूरिस्ट है ना जो टूरिस्ट है वो बोलते हैं इस तरह से ही हैड ड्रेस फॉर द ओकेजन पर वो आते हैं वहां पर और क्या करते हैं वो संड्री बेल्ट सन्ड्री यहाँ पर वर्ड दिया है बच्चे कि अलग से वेरियस वेरियस मीन सन्ड्री ठीक है तो यहाँ पर वेरियस जो वर्ड दिया गया है वो सन्ड्री के लिए बोला गया है अलग अलग तरह की बैट इंस्ट्रूमेंट उनके जो कैंटीन वॉज न्यू एंड कवर्ड विद फैल्ट ये सब चीज़ें उनके साथ होती हैं वहाँ पर एंड ही वॉज कम्पलीट एल्पाइन क्लाइंबर कि कहाँ पर पेड़ पौधे वहाँ पर कैसे हैं क्लाइंबर है डाउन टू द बोर्ड्स है और टीनी फैदर ऑफ फैल्ट है मीन्स वहाँ पर एनिमल्स और एल्पाइन ट्रीज है ना तो बर्ड्स वो सारी चीजें यहाँ पर पूरा यहाँ पर बताया गया है कि कैसे कैसे वहां पर नजर आती हैं ड्यूरिंग द पॉजेज हिज आईज रिमेन गुल्ड एंड ऑबिस्टेंटली टू स्टोन इंचज फ्रॉम हिज नोज हिज माउथ ट्विज हिज होल बॉडी प्रेस्ड अगेंस्ट द क्लिफ एंड देयर बाय टेरर तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बिना डरे किस तरह से वहां पे वो आगे बढ़ते रहते हैं और किस तरह से उन चीजों को देखते हैं तो देखते हैं आगे Nicolas Gazdis thought Montier Gonthier was wondering that insane impulse what it inspired snorism and turned him into a mountain climber. His squaring fingers, often tears the rope and held him to the guide. अब यहाँ पर निकोलस जो है वो सब चीजें एज्यूम कर रहा था वो सब चीजें सोच रहा था क्योंकि ग्वॉन्थियर जो था वो फर्स्ट टाइम माउंटेनिंग कर रहा था तो जब कभी भी कोई माउंटेनिंग करता है क्लाइम करता है माउंटेन पर चढ़ता है तो आपको भी पता होगा उसकी सांसें फूलती है ना इनहेल करने लग जाते हैं एक्सेल हम ज्यादा करने लग जाते हैं इम्पल्स फील होने लग जाता है ये सब चीजें वहां पर गोंथियर के साथ भी सेम एज इट इज हो रही थी जो किसने गैस कर ली थी निकोलस ने की अब वो बहुत थक चुका है इज इट मच फार्दर ही इंसिस्टेड प्लेडिंगली तो क्या पूछता है कि ये बहुत ज्यादा दूर है क्या इज इट मच फार्दर क्या अभी और दूर है अबाउट अ हंड्रेड यार्ड्स मॉन्टेयर तो वो बोलता है शायद मेरे हिसाब से अबाउट हंड्रेड यार्ड्स इतना वो अपने आप एज्यूम करते हुए उन चीजों को बताता है निकोलस को निकोलस वॉज अवेयर दैट हिज हिज क्लाइंट हैड लॉस्ट ऑल फाइन लस्ट फॉर माउंटेन स्पोर्ट्स दे रीच द द टॉप ऑफ ही वुड नॉट गोइंग ऑन टू द पीक ओवर द ग्लेशियर अब यहां पर निकोलस जो है वो सब चीजों से अवेयर है कि उसका जो क्लाइंट है क्लाइंट कौन है उसका गोंथियर तो गोंथियर है वो सब चीजें लॉस्ट कर रहा है धीरे धीरे ना लस्ट फॉर द माउंटेन स्पोर्ट्स कि उसको आगे जाके माउंटेन स्पोर्ट्स करने हैं और वो इतना थक चुका है वेन दे

अब यहाँ पर गोंथी और निकोलस चल रहे हैं तो कैसे उनको फील हो रहा है कंप्लेन ऑफ इलनेस ही वुड हम क्या करना चाहता है कि मतलब उनको कैसा फील होता है टायर्ड फील हो रहा है इलनेस फील हो रही है लेकिन क्या करता है ही वुड टिप निकोलस वो क्या करता है निकोलस को टिप देता है बड़े सजेशन के साथ दैट द गाइड शुड कीप द इंसिडेंट्स ऑफ द ट्रिप टू हिमसेल्फ कि क्या करना चाहिए सिर्फ उनको ट्रिप देनी चाहिए और जैसा वो कर रहे हैं जो भी होगा गाइड गाइड को सिर्फ सजेशन के साथ ही देना चाहिए ज्यादा उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जो वहां पर जो गोंथियर चाहता था गोंथियर हेड बोस्टेड लाउडली डाउन बिलो और वो इस तरह से जोर जोर से बोलता हुआ वहां पर जाए जा रहा है ऊपर चढ़ता जा रहा है द माउंटेनियर स्माइल लेकिन जो माउंटेनियर है वो स्माइल करता है सोर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म क्योंकि वो देखता है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहे हैं ना जहां पर पहुंच गए थे वो कितना था ट्वेल्व इंच वाइड था और थ्री फिट इन लेंथ में था हॉर्ट फ्रॉम द क्लिफ ऑफ ए लार्ज एंड नेचुरल लेज और नेचुरल रह जाए लेज का मीन्स क्या होता है बच्चे पार्ट ऑफ क्लिफ को बोला गया है। पार्ट ऑफ क्लिफ लेज वहां पर एनलार्ज कितनी बड़ी है वहां पर नेचुरल लेज नजर आ रहा है कि वहां पर जो क्लिप्स के पार्ट्स हैं वो बिल्कुल नेचुरल हैं वहां पे जो जब चोटी पर वो चढ़ते हैं क्लिप्स पर पहुंचते हैं तो किस तरह से वहां पर एज्यूम करते हैं चीजों को और कैसे देखते हैं नर्ज हिज क्लाइंट अपवर्ड्स विद लाइट जर्ग ऑन द रोप लेकिन क्या करा हुआ है उन्होंने एक दूसरे को रोप से बांधा हुआ जो माउंटेनियर था ना जिसको हमने बोला है निकोलस है ना जो निकोलस था उसने जो आपका कि जो गोंथियर था उसको रोप से अपने आप को अटैच किया हुआ है ताकि माउंटेनियर उसको किस तरह से पूरा केयरफुली ऊपर तक लेके जा जा जाए वेन पेंटिंग मैन वॉज एट हिज साइड ही अ बिग फॉर अक्रॉस हिज बैक टू स्टडी हिम और उसके पीछे बांधा हुआ जैसे हम देखेंगे पिक्चर में तो आपको नजर भी आ जाएगा टेक अ लुक मॉन्सियर ही आर्ग्यूड द व्यू इज मैग्निफिशियंट तो अब वहां पर देखता है कि बोलता है मौन, जो मॉन्सियर होता है वो क्या बोलता है टेक अ लुक और उससे अग्ड करता है ना थोड़ा जोर से बोलता है द व्यू इज मैग्निफिशियंट कि जो व्यू है वो कैसा है बिल्कुल मैग्निफिशियंट है बिल्कुल पारदर्शी है हमें अच्छे से मतलब ऐसा क्लियरिटी उसके अंदर पूरी प्रॉपर है अब यहां पे गांधियर हिज फेस लाइक मोस्ट बुटी पिप्ड ओवर वन शोल्डर देन हिज ग्लेस सोर्ट द रॉक अगेन मैग्निफिशियंट येस ठीक है तो यहाँ पर गोन्थियर बात करता है उसके फेस के बारे में बता रहा है फेस like मतलब मतलब लाइक ना तो वैसा हो गया पुट्टी जैसा मॉइस्ट पुटी की उसके ऊपर कुछ परत लग गई है वैसा परत की तरह उसका फेस हो गया है कि उस पर किसी तरह की कवरिंग कर दी गई है पिप्ड ओवर वन शोल्डर हिज Magnificent, रॉक yes. अगेन eagle's view निकोलस लाव ठीक है तो जैसे ईगल्स व्यू क्या होता है ईगल्स मीन क्या होता है ईगल ईगल एक पक्षी का नाम है बच्चे तो उसके व्यू से निकोलस जोर जोर से हंसने भी लग जाता है ओनली वी हैव नो विंग्स तो बोलता है हमारे पास कोई विंग्स नहीं है आपस में बात कर रहे हैं और एक दूसरे के फेस को देख रहे हैं और फेस को देखते हुए वो किस तरह से ईगल व्यू से बोलता है और निकोलस जोर जोर से हंसने लग जाता है क्योंकि निकोलस जो था उसको पता है कि मेरे साथ अब ये रोप से अटैच है जैसे हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि वो उसके साथ रॉप से अटैच है और उसको प्रोपर गाइड कर रहे हैं ना क्योंकि गाइड के लिए निकोलस को ही चुना गया है ओनली वी हैव नो विंग्स और बताता है हमारे पास कोई विंग्स नहीं है कि हम उड़कर जल्दी से पहुंच पाए या जल्दी से नीचे भी आ पाए फोर ईयर्स अगो अ जेंटलमैन फेल फ्रॉम हेयर तो बताता है चार साल पहले से यहां पर एक जेंटलमैन है जो नीचे गिर गया था यू वॉज डेन हैड क्लाइम्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड नियरली थ्री हंड्रेड मीटर टू द फर्स्ट स्टॉप तो बताता है कि वो यहां पे जो थ्री हंड्रेड मीटर्स जो फर्स्ट टॉप है वहां से वो नीचे गिर गया था क्योंकि वो क्लाइम कर रहा था है ना और ही हिज आर्म और उसकी जो आर्म है वो रिमूव हो गई थी आई गो अहेड एंड यू लेटर यू हैव टू स्विंग यूर सेल्फ इन स्पेस वंस और ट्वाइस तो बताता है कि हमें कितनी सावधानी से स्विंग करना चाहिए क्योंकि वो धीरे धीरे चल रहा था लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसी ट्रेजिडी हो गई जो हमारे साथ नहीं हो कभी भी है ना तो निकोलर रिस्ड आउट हिज हॉनी पाम फास्ट एंड ऑन स्टोन एंड ही वॉज ऑफ थर्टी फीट बाउ हिज कंपेशन ही फाउंड द स्पोट ऑन विच ही कुड स्टैंड एट इज तो यहाँ पे निकोलस वहां पे पहुंच जाते हैं रेज आउट एंड जो उसकी हॉर्नी पॉर्नी पाम, पच्चे पाम यहाँ पे क्या बोला गया है स्टोव को ठीक है स्टॉव स्टॉव फास्ट एंड ऑन स्टोन एंड ही वॉज ऑफ वहां पर एक स्टोन जैसे आपने कभी ऊपर चढ़े हो तो आपने किसी पत्थर को फेंक के देखा होगा ना और तो ऐसे ही वो पत्थर को फेंकने लग जाता है थर्टी फीट अबाउ हिज कंपेंशन ही फाउंड द स्पोट ऑन विच ही कुड स्टैंड एट इज लेकिन वो वैसे ही खड़ा हो गया है ना जैसे उसने पत्थर को फेंका और वो वैसे ही देख रहा था और उधर ही खड़े होकर उसको देखता ही रहा ही लुक डाउन एट गोंथियर अब वो गोंथियर को देखता है who stopped the clutch the mountain to his breast then he grasped the rope and rubbed it vigorously against a sharp ledge until a twist of his wrist broke it अब उसने क्या किया यहाँ पर धीरे धीरे जो क्लच द माउंटेन टू हिज प्रेस्ट यहाँ पर स्टॉव स्टॉव का मीन्स क्या बताया बच्चे मैंने हार्ड पाम ठीक है हार्ड पाम को यहाँ पे स्ट्रॉ बोला गया है टू क्लस द माउंटेन टू हिज ब्रेस्ट अब जोर से वो सांस लेते हैं और जो उसके साथ रॉब बंदी हुई थी उसको क्या कर दिया उन्होंने जो उसकी कलाई पर लपेटी हुई थी उसको तोड़ दिया लुक मॉन्सियर और बोलता है मॉन्सियर देखो निकोलस वेटेड अंटिल द अदर लिफ्टेड हिज वाइट फेस लेकिन जो निकोलस है वो बोलता है तुम यहाँ पर इंतजार करो जब तक अदर लिफ्टेड हिज वाइट फेस जब तक तुम्हारा जो चेहरा है वो बिल्कुल सफेद ना पड़ जाए देन शॉर्ट हेम द फ्रेड दैट्स वाई माउंटेन एक्सीडेंट्स ओकर यू सी हेज यर तो वहां पे बोलता है कि तुम्हारा अब अंत होने वाला है जैसे वो यहां पर से गिरा था मुझे लगता है तुम भी यहाँ से गिरने वाले हो तो इन चीजों को शो करो देखो है ना गोन्थियर तो द रोप अंटिल द कोर्ट इज ग्लेम्स ऑफ द गैप बिलो हिज माउथ ओ ओ ओपन एंड वीक श्विल्प ऑफ होरर एस्केब्ड फ्रॉम हिज लिप्स तो गोंथियर की जो आंखें हैं वो क्या करती हैं वो रॉप को देखने लग जाती हैं कि रॉप किस तरह से ब्रॉक कर दिए उसने अंटिल ही कॉट अ ग्लेंस ऑफ गैप बिलो जो उसका माउथ है वो खुला रह जाता है एंड जो उसके लिप्स होते हैं वो कैसे फ्रॉम हिज एस्केब्ड होरर से है ना जैसे हमारा मुँह खुला का खुला रह जाता है सेम वो वैसे ही खुला का खुला मुंह रख लेता है और अपने आप को कैसा उसको फील होने लग जाता है काफी फियर डर लगने लग जाता है उसको मोन्सियर यू आर इज नो डेंजर निकोलस सेड लाइटिंग अ पाइप तो बोलता है मोन्सियर यू आर इज इन नो डेंजर तुम अब खतरे में नहीं हो निकोलस सेड एंड निकोलस ये सारी चीजें बोल रहा है उसको है ना लाइटिंग अ पाइप द माउंटेन इज सॉलिड बोलता है कि तुम डरने डरो मत और शायद तुम नहीं गिरोगे यहाँ पर क्योंकि जो माउंटेन है वो काफी सॉलिड है

तुमने क्या करना था तुम्हें क्लाइंबिंग करनी थी लेकिन कुछ बच्चे कुछ बॉयज वहां पर बैठे हुए थे और तुम पैलेस होटल में वहां पर रुके हुए थे तुम्हें याद है तुमने मेरी एक प्रिटी गर्ल जिसका नाम मारिया था उसके आगे मुझे जो तुम्हें खाना सर्व कर रही थी डिनर सर्व कर रही थी इवनिंग में उसके आगे मुझे क्या बोला था आई डेंट से एनी थिंग ऑफेंसिव गथियर प्रोटेस्टेड गर अपना आपको बचाते हुए बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला यू डिंट तो वो बोलता है क्या तुमने नहीं बोला बट यू अ फाइन जेंटलमैन फ्रॉम पेरिस विद अ बिग कार एंड गुड क्लोथ यू टॉकड लाइक हर फ्रेंड एंड शी सेड शी वॉज अंगेज टू मी डू यू रिकॉल वट यू टोल्ड हर फिर वो उसको याद दिलाने की कोशिश करता है कि एक फाइन जेंटलमैन जो पेरिस से आया हुआ था जिसके पास बिग कार थी गुड क्लोथ जिन्होंने पहने हुए थे और जो उनसे बातें कर रहा था ठीक है यू टॉक्ड लाइक हर फ्रेंड

यू हैड इन्वाइटेड मी फॉर अ ड्रिंक दैट आफ्टरनून तुमने मुझे उस टाइम आफ्टरनून में ड्रिंक भी ऑफर की थी है ना मुझे ड्रिंक पर बुलाया भी था और वो इस तरह से याद करते हुए वो जोर से हंसने भी लग जाता है और उस टाइम पे तुमने क्या किया था वो जो सिचुएशन थी जो मेरी गर्ल है ठीक है तो जिसके साथ अंगेज है मारिया तो उसके सामने तुमने, तुमने तुमने क्या क्या मेरे ऊपर हंसी भी उड़ाई थी यू मी तुम मेरे ऊपर हंसे भी थे वेन यू हायर मी फॉर दिस ट्रिप और तुमने इस ट्रिप के लिए मुझे हायर किया एंड आई आई वॉक द लॉबी ऑफ द पैलेस होटल बिकॉज आई वॉज एम्बेस्ड तो बताता है कि मुझे किस तरह से उस टाइम पे बहुत एम्बेसिंग फील हुआ था है ना होटल के अंदर जैसे तुमने मेरे साथ बर्ताव किया बिहेव किया तो मैं किस तरह से एम्बेस्ड हो गया था उस टाइम पे यू सेट दैट आई डिट नो वट टू डू विद माई हैंड्स तो तुम्हें याद नहीं की तुमने क्या किया था यू न्यू शी वु मी ट्रू तो उसने बताया की उसने तो कोई मुझे बताई नहीं और रिपीट भी नहीं की बट आई सो शी वॉज अ बेट अशेम्ड लेकिन मुझे पता है की कहीं ना कहीं उसको ये चीजें बुरी लगी थी और अशेम्ड फील हुई थी ऑफ मी दैट नाइट एंड शी स्पोक ऑफ माई मैनर सो आई फाउंड आउट वे शी हैड गॉट दैट आईडिया और वहीं से मुझे ये आइडिया आ गया था कि मुझे आगे क्या करना है नाउ आई सेल्डम गो इन टू द लोबी आई सेल्डम ड्रिंक इन द कैफे दोज आर नॉट द पैलेस आई एम यूज इट बट आई एक्सेप्टेड यूर इन्विटेशन ऑन यर ओन ग्राउंड दिस टाइम वी आर इन ए पैलेस वेयर यू आर एम्बेज एंड आई एम नॉट यू कम एंड ज्वाइन मी हेयर I'll, I'll, re, अब ये सारी चीजें वो बता रहे हैं न किस तरह से री अटैक करते हुए रॉप को क्योंकि वो चाहता है कि अब वो एक तरह से बदले वाली भावना आ रही है उसके अंदर है ना निकोलस के अंदर कि गोंथियर से किस तरह से मुझे बदला लेना है इसने मेरे साथ क्या किया था है ना और वहां पर हमने कैफे के अंदर कैसे ड्रिंक किया लोभी के अंदर थे हम और पैलेस के अंदर आई एम यूज इट आई एक्सेप्टेड यूर इन्विटेशन कि मैंने तुम्हारा इन्विटेशन भी एक्सेप्ट कर लिया था सब चीजें उसको ना याद दिलाने की कोशिश कर रहा है वो ठीक है आई एल गिव यू फाइव थाउजेंड फ्रेंसेज टू हेल्प मी गथियर प्रोमिस्ड एंड इफ आई डाई इट्स मर्डर तो बताता है कि किस तरह से अब वो वहां पर सिचुएशन बताते हुए तो उसको याद आ रहा है कुछ नहीं भी आ रहा है कुछ जानबूझ के भी वो चीजें को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और बोलता है आई गिव यू फाइव थाउजेंड फेंसेज टू हेल्प मी अगर तुम मेरी मदद करोगे ठीक है गोंथियर प्रॉमिस करता है किसको निकोलस को प्रोमिस करता है अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें फाइव थाउजेंड दूंगा

Want. Nicholas watched him so that his nerve and failed completely. He felt no scorn, for he had seen men too proud, courage frightened in the mountains. After five minutes, he fastened a spear rope to his pick, securely wedged in the rock, and slid down to his client. अब यहाँ पर जो गॉन्थियर है वो बिल्कुल सारी बातें सुनकर जैसे उसने बताया कि ऐसे एक्सीडेंट तो माउंटेन में होते रहते हैं लोग ऊपर आते हैं तो कोई गिर भी सकता है तो ऐसा अगर तुम्हारे साथ हो जाएगा तो ये मर्डर नहीं होगा तो ये सारी बातें सुनकर गौन थी और बिल्कुल चुप हो गया और वहां से क्या करने की कोशिश कर रहा था ही टू मूव एंड एंड सब चीज़ों को देख रहा था है ना उसको देख के जा रहा था वहां पर और सब चीजों को देख रहा था कि दैट हैड फेल्ड कि उसकी जो नर्व है वो धीरे धीरे क्या फेल्ड कंप्लीटली हो चुकी है ही फेल्ट नो स्कोन ही अब बता रहा है सब चीजों को कि क्या क्या चीजें वहां पर जो करेज फ्राइटन था माउंटेन्स में वो भी उसका धीरे धीरे कम होता जा रहा था लेकिन पांच मिनट के बाद ही ही वो, वो बच सके स्क्योरली वेस्ड इन द रॉक एंड स्लाइड डाउन टू हिज क्लाइंट और धीरे धीरे वो रॉक पर चढ़ने लग गया यू सी मोन्सियर ही लूज एंड अबाउट गॉन्सियर बॉडी दैट इट इज ऑलवेज इजी टू प्ले अनदर मैं गेम तो यहाँ पे बताता है देखा मोन्सियर तुमने देखा तो जैसे निकोलस बोल रहा है ठीक है निकोलस मॉन्सियर को बोलता है कि तुमने देखा जो फास्टनिंग द लूज एंड अबाउट गॉन्थर बॉडी कैसे मैंने तुम्हारी बॉडी जो है वो एक रोप के थ्रू कैसे लूज कर दी थी दैट इट इज इज ऑलवेज ईजी टू प्ले लेकिन ये मेरे लिए बहुत ईजी है एक खेलने जैसा है मेरे लिए एक गेम है ठीक है एन अदर गेम निकोलस वंस मोर एट द एंड ऑफ द रोप द टूरिस्ट इज टू खर्ट एंड दे रेज द टॉप ऑफ द क्लिफ गर सेंड हिज फेस सॉल्ड एंड फ्रॉम हिस्स कैंटीन अब वो निकोलस जो होता है वो क्या करता है एंड ऑफ द रॉप है ना उसको वो लास्ट में क्या करता है बचाने लेता है और टूरिस्ट टू खर्ट और टूरिस्ट जो होता है ठीक है जिसका नाम क्या है ग्वानियर वो एक तरह से उसको ऐसा लगता है दोबारा उसके अंदर सासे आ गई हैं और वो कहाँ पे पहुंच जाते हैं टॉप ऑफ द क्लिफ पर पहुंचते हैं गोंथियर सेंकडाउन एंड वाइब हिज फेस अपने फेस को पहुँचने लग जाता है कुछ ऐसे जो कैंटीन होता है वहां पर तो वहां पर कुछ खाने पीने लग जाते हैं स्वेल स्वेल करना क्या होता है बच्चे कुछ निगलना है ना वो निगलने भी लग जाता है आई ऑफर्ड यू फाइव थाउजेंड फ्रेंसीस टू कम एंड गेट मी यू डेड दिस ऑफर स्टेक्स तो जैसे वो बता रहा था यहाँ पर कि फाइव थाउजेंड फेंसेस के लिए वो देने के लिए बोला था आओ और मुझसे ले लो निकोलस कॉल्ड एंड शुक हिज हैड नो इफ़ यू थिंक योर लाइफ इज बीन सेव्ड आई चार्ज यू वट आई थिंक इट्स वर्थ टू गिव यून इवन अ जेंटलमैन लाइक यू कैन बी टॉट अ फ्यू थिंग्स यू कैन कंप्लेन एट द मैनेजर्स ऑफिस लेट्स गो धोनिकोलस बोलने लग जाता है वो जैसे उसको बोलता है तो कहता है फाइव फ्रेंसेस के लिए मैंने तुम्हारी लाइफ को सेव नहीं किया है इवन आई चार्ज यू वट आई थिंक जो तुम सोच रहे हो उसके लिए तो टेन फ्रेंसेज भी कम है आई वॉन्टिड टू गिव यू लेसन मैं तुम्हें क्या एक पाठ पढ़ाना चाहता था मतलब तुम्हें सबक सिखाना चाहता था कि कैसे इवन अ जेंटलमैन लाइक यू कि तुम्हारे जैसे जो जेंटलमैन होते हैं कैसे दूसरे पर हंसी उड़ाते हैं और अगर तुम चाहते हो कि मैनेजर को कंप्लेन करना या मैनेजर के ऑफिस जाना चाहते हो लेट्स गो चलो चलते हैं ट दायल लीडिंग टू द वैली फॉर अ लॉन्ग मोमेंट गरजीटेटेड सम इनर स्ट्रगल क्राउडेड फेस ही स्पोक अब वो धीरे से उसको बोलता है आराम से और कहता है कि किस तरह से तुमने मेरे लिए स्ट्रगल किया है ठीक है और मेरे को मेरी जैसे जान बचाई है तो इस तरह से उसको थोड़ा सा बातें में करने लग जाता है फॉर अ लॉन्ग मोमेंट के लिए गॉन्थियर थोड़ा टाइम के लिए जो गॉन्थियर है वो हेजिटेट भी हो जाता है कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए क्या करना चाहिए निकोलस आई हाइड यू टू टेक मी टू द टॉप निकोलस बोलता है कि अब क्या किया है आई हाइड यू टू टेक मी टू द टॉप की टॉप पर ले जाने के लिए तुमने मुझे ही हाइड किया था यू आर सीरियस मॉन्सियर निकोलस लुकड एट हिम स्टेडली तो बताते हैं कि किस तरह से कि तुम सीरियस हो मॉन्सियर क्या तुम मुझे ही लेना चाहते हो यू विल गो ऑन अक्रॉस द आइज एंड अप टू द पीक विद मी क्या तुम दोबारा से मेरे साथ चलोगे और पीक पर जाना चाहते हो मेरे साथ यू हैव टू लर्न ग्वानियर एडेड तो ग्न्थियर वहाँ पर बोलते हुए कहता है यू हैव टू लर्न हाँ तुम्हें याद है और मुझे भी याद है जो हमारे साथ हुआ निकोलस ग्राइंड एंड स्ट्रेस्ड आउट हिज वाइड हैंड्स एंड मोन्सियर यू आर अ मैन लेट्स गो तो निकोलस वहाँ पर ग्राइंड करते हुए स्ट्रेच करते हुए बातों को और आपस में वाइड हैंड्स के थ्रू ताकि एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं और एक दूसरे से गलती का उनको भी एहसास हो जाता है और इस तरह से स्टोरी एंड हो जाती है तो ये जो स्टोरी है बच्चे ये लिखी गई है जॉर्जेस सर्डर्स के थ्रू तो ये स्टोरी है छोटी सी इसको पढ़ेंगे रीड आउट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग